हाय गाइस, वेलकम टू मम्मीज रेसिपी। तो आज हम देखेंगे स्पॉन्ज केक बनाने की रेसिपी। ये केक बनाना बिल्कुल आसान है और ये स्पॉन्ज की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो पहले हम 1.5 कप मैदा ले लेंगे। यहाँ हमने एक छन्नी ली है और उसके नीचे एक बड़े बाउल को लगा दिया है। छन्नी की मदद से पाउडर बिल्कुल बारीक हो जाएगा और अगर उसमें कोई पार्टिकल्स है तो वो निकल जाएंगे। तो यहाँ हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब हम ले लेंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर, 1 कप चीनी पाउडर, 1 चम्मच की मदद से सारी चीजों को अच्छे से छान लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी के थोड़े बड़े पार्टिकल्स निकल गए हैं और हमने सारे पाउडर को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आपका केक सॉफ्ट और फ्लफी बने उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे चीज़ें सेम प्रपोर्शन में डालें। 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। तेल डालने से हमारे केक का स्पॉन्ज ड्राई नहीं लगेगा, वो अंदर से बिल्कुल चिकना होगा। अब हमने यहाँ 1 कप दूध ले लिया है, इसे धीरे धीरे करके डालेंगे। ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। अब एक विस्कर की मदद से हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब जब मिक्सर थोड़ा ड्राई लगे हम उसमें दूध डालेंगे। तो हमने यहाँ पूरा 1 कप दूध डाल दिया है। अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना फ्लोई टेक्सचर का है। हमें केक का बैटर बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बनाना है। हमने यहाँ एक राउंड टिन ले लिया है जिसमें हम केक का बैटर डालेंगे। इस पर हम ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर देंगे। हमें सारे जगह अच्छे से ऑयल लगाना है, इससे केक टिन पे चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। ऑयल हमने लगा लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से टिन पे स्प्रेड कर लेंगे। हमने मैदा और ऑयल अच्छे से लगा दिया है टिन पे। अब हम केक का बैटर डाल देंगे। अब हम टिन को हल्के हाथों से टैप कर लेंगे। इससे केक का सरफेस बिल्कुल स्मूथ बनेगा और अगर अंदर कोई एयर बबल्स है तो वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने एक स्टील का स्टैंड लिया है। अब हम इसे प्रीहीट कर लेंगे। इसे एक बर्तन से ढक देंगे और इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे। हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और ये अब गर्म भाप छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें अपना बैटर अब डाल सकते हैं। हमने गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब हम इसे 30 से 45 मिनट्स के लिए हीट करेंगे। हमने लगभग 20 मिनट के लिए केक को हीट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये साइड से पक चुका है और अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये पूरी तरह पक जाए। आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसमें नाइफ या टूथपिक डाल के देखेंगे कि ये अच्छे से पका है या नहीं।
नाइफ पर केक का बैटर नहीं लगा है, इसका मतलब यह है कि केक अच्छे से पक चुका है और अंदर से गीला नहीं है। केक को 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं केक कितनी आसानी से निकल गया, इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट बना है और ये बिल्कुल फ्लफी है। अब जो ऊपर का सरफेस अनइवन है हम उसे कट करके निकाल लेंगे। अब आप केक को अपनी पसंद के हिसाब से सजा सकते हैं। हम इसमें बस चॉकलेट ग्रेट करके डाल रहे हैं। स्पॉन्ज केक अब तैयार है। आप देख सकते हैं केक कितना मुलायम बना है। अगर आप इस रेसिपी से केक बनाएंगे तो आपका केक का स्पॉन्ज बिल्कुल इसी तरह मुलायम और फ्लफी बनेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।